और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो आज है छोटी दिवाली। हाँ, छोटी दिवाली ही बोलते हैं शायद। तो आज जो है हमारे यहाँ पे खीर बनती है और वो भगवान को चढ़ाई जाती है। तो आज हमारे लिए ये वाला भी दिन स्पेशल होता है। तो 2 दिन हमारे यहाँ, मान के चलो, दिवाली हम लोग मनाते हैं। कल लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, आज दीपावली मनाते हैं। तो हमारे यहाँ कल लक्ष्मी पूजा तो हमने मना लिए हैं और आज है दीपावली का दिन। तो बस मैं अभी तैयार हुई हूँ हल्की फुल्की और मेरे बच्चों को भी रेडी कर दी हूँ और ना खीर बना रही हूँ। मेरा मन नहीं था खीर बनाने का। मैं सोच रही थी कि अरे यार, अभी तो मीठा मीठा इतना खाए हैं, पर ना इनके पापा बोले कि नहीं बना लो, तभी तो पता चलेगा कि भाई हम पवार हैं, है ना। तो अपने जो रीति हैं, रिवाज हैं, उसको यहाँ भी रहो, फॉलो करो। तो बच्चे भी जानते हैं, बोले बच्चे तो जानेंगे, क्योंकि अगर बनाएंगे नहीं तो उन लोगों को कैसे पता रहेगा कि क्या बनाते क्या नहीं करते। तो अभी बीच में जब दशहरा हुआ था ना, तो हम लोग बाहर चले गए थे, नहीं तो मैं उस दिन भी मेहरी और बड़ी बनाती, घर में रहती तो भले ही थोड़ी सी बनाऊं, पर बनाती जरूर। काव्या यहाँ बैठ के खाना खा रही है, दिखाओ। ये देखो, काव्या को आज ये वाला ड्रेस पहनना था। तो अभी पता है, मेरे ये वाली साड़ी की मैचिंग की चूड़िया ही नहीं थी, तो मैं यही वाली पहन ली। ये बाहर रखी थी, कल ही पहनी थी ना, तो कल बाहर रखी थी, तो मैं सोची कि इसी को पहन लेती हूँ, कहाँ और ढूंढते बैठूँ। होगी रखी, ऐसा नहीं कि नहीं, पर मैं पहनती बहुत कम हूँ ना, तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ रखी हूँ करके। एक चीज़ ढूंढने के लिए कईयों चीज़ निकालना पड़ता है। और अभी ये पहनते पहनते मेरे हाथ में चोट भी लग गई। ये देखो, देखो काव्या, मेरे ये दर्द को फूफू कर रही है, यही तो होती है बेटी। हाँ, अब दादू भी करेगा, देखिए। ये चूड़ी पहनते पहनते लग गया। हाँ, हो गया हो गया, चलो। एक मिर्ची बम, मिर्ची बम है, पता नहीं कहाँ से ला लिया है। इतने फटाके फोड़ा, इतने 11:30, 11:12 बज गया था, ये लोग को सोते सोते। हम मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा था। मैं आज फोड़ूंगा, ये बिगड़ गया था, सुधारा हूँ कागज से। ऐसे करते हैं ये लोग। तो चलिए मैं खीर बना लेती हूँ ना बेटा, आज दादू को पता नहीं है, नहीं तो क्या क्या खीर नहीं, क्या पनीर की सब्जी। अच्छा ठीक है, रोज पनीर खाएगा भैया हमारा, रोज। और अभी मैं ढूंढ रही हूँ इलायची। तो ये जो इलायची का डब्बा था, इसमें मैंने मैगी मसाला भी रख दी थी। तो दादू ने ना इसमें मैगी मसाला को फाड़ के उसका मैगी मसाला खा भी लिया और इसमें गिरा भी दिया है। तो एक एक करके बीनना पड़ रहा है इलायची मुझे इसमें से, और बहुत ही ये ऐसा काम ना बहुत बेकार लगता है मुझे। मैं ना हमेशा अलग अलग रखती हूँ, पर पता नहीं मेरा कहाँ से दिमाग जल गया, तो मैंने इसमें मैगी मसाला रख दी। और इन लोग का हाथ लगता है ना, तो कोई भी चीज़ बचती नहीं है, मान के चलो वो ना आधी नाश हो जाती है। तो वही खाए तो थोड़ा सही होंगे मैगी मसाला, पर पूरा गिरा दिए हैं डब्बे में।
और अभी ना दादू के पापा के फ्रेंड्स लोग आ गए थे तो उनके लिए मैं बना रही थी चाय। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, त्यौहार के दिन भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो मैं वीडियो में किसी को भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि ना फिर वो लोग मतलब मना करते हैं या फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैं अपने लोगों को ही लाती हूँ अधिकतर। तो बस इन लोग के लिए मैं चाय छान के दे देती हूँ, फिर मैं भी खुद थोड़ी सी पी लूँगी। मैं थोड़ा कम कर दी हूँ आजकल, नहीं तो भी बीच में तो बहुत हो गया था। और बस इन लोग को दे दूँ, उसके बाद मैं भी पी लूँगी। और ये देखिए हमारा फ़िल्टर ख़राब हो गया था एक दिन, क्या हुआ ना, लाइट गोल हो गई थी तो पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैं एक फ़िल्टर के नीचे एक नट होता है उससे खोलो ना तो जितना पानी रहता है वो पूरा निकल जाता है, तो वैसे ही करके मैंने पूरा पानी इससे निकाल ली। उसके बाद फिर फ़िल्टर ना एकदम धीरे धीरे भर रहा था एक्वागार्ड। तो इसके बाद इनको लगा कि ये थोड़ा ख़राब हो गया है, तो जब चेक करे अभी तो थोड़ा सा इसको ठीक ठाक करने की कोशिश करे तो ये और भी बिगड़ गया। तो देखो हमारा त्यौहार के दिन इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये देखिए टूट गया है, ये यहाँ से पूरा पानी बहने लगा है। अभी इसका पूरा किट ही हम लोग को ऑर्डर देना पड़ेगा, तो बस ये शायद देंगे आज। तो यही नुकसान हुआ है आज हमारा इतना बड़ा, तो त्यौहार के दिन वो भी। और ना ये मतलब ऐसा होता है ना तो फिर ठीक नहीं लगता है ना, पर ये एक्वागार्ड जो है ना हर 6 महीने में इसको रिपेयरिंग करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ता है क्योंकि पानी इतना यूज़ होता है। अब देखो इतनी सी मशीन और ऊपर से कितना सारा पानी यूज़ होता है ना, तो ठीक है देख लेते हैं, वैसे ये सुधार लेते हैं थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ होता है तो। अभी देखते हैं क्या होता है कि हम लोग को बिना पानी के ही रहना पड़ता है 2-4 दिन। तो अभी मैं जा रही हूँ इसको धोऊंगी, इसका जो ऊपर का ढक्कन होता है ना उसको। ये देखिए कितना इस पे डस्ट जमा हुआ है एकदम, और इसको हमने साफ़ ही नहीं किया, कवर था वो भी फट गया है तो रखा है वैसे ही। और ये देखिए रात की जो पूजा थी आज फिर से दादू लोग काव्या लोग सब आज ही के दिन हमारे यहाँ फटाके फोड़ते हैं ना, तो वो लोग सब बिज़ी हैं और मैं दीपक जला रही थी तो यहाँ पे पूरे जला के रखी थी। अभी मैंने बालकनी में भी थोड़े मोड़े जलाए हैं और ऐसे ही फिर जलाना पड़ता है। और ये जो एक वाइट वाइट इधर बना हुआ है ना, इस टाइप का हमारे गांव तरफ बहुत बनाते हैं, तो ये ना चावल से बनाते हैं, चावल को भिंगा के उसको पीसते हैं वो, और रेड कलर का गेरू होता है उससे बनाते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा बना ली हूँ, दिए लगा दी हूँ बालकनी में, और त्यौहार है तो अच्छा ही रौनक का अच्छी लगती है। तो ये देखो खत्म हो गए, खत्म हो गए। क्यों लिए तुमने उसके रे? किसके? अरे रे धीरे से पूरे पूरे टेबल पे रखो पहले वाले, नहीं टेबल पे रखो ना, ये पूरे इसको रखेगी। चलो आओ फेंक के दिखाओ, देखो यही देखो काव्या फटाके फोड़ रही है। अरे नहीं फूटा, फूटेगा। फेंको धीरे से ऐसे, यहाँ इधर ही फेंको, इधर ही धीरे से फेंक दो। अरे दूसरा वाला नहीं, मैं अरे वाह मजा आ रहा है। नहीं पकड़ के रखना, कुछ नहीं होता। मेन तो हमारे यहाँ ना आज ही फटाके फोड़े जाते हैं, आज ही फोड़ते हैं फटाके जो भी हैं, कल नहीं फोड़ते हैं। पर आजकल बच्चे हैं ना मानते नहीं है, तो इन लोग को देना ही पड़ता है। दादू वहाँ पेड़ के पास नहीं बेटा, थोड़ा अलग, और ये रंगोली के पास भी नहीं हमारी। कितना प्रदूषण हो रहा है बताओ, ऐसे गोल गोल घुमाओ, गोल गोल उस साइड रखो, उस साइड अपने मुंह की साइड नहीं, उधर बाहर की साइड। और जब तक खत्म नहीं करेगा ना चैन नहीं पड़ेगा, कल भी पता है इससे जबरदस्ती हमको छिना के रखना पड़ा है, नहीं तो ये पूरा नाश कर देता रात भर में। जब तक मना नहीं करो ना बच्चे को, तब तक सुनते नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए ये वाली तोरण यहाँ लगाए हम लोग।